हेलो दोस्तों, भौतिकी की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करेंगे अध्याय 8 वैद्युत चुंबकीय तरंगों के दूसरे भाग की। इस भाग में हम समझेंगे वैद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति और वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम को। तो आइए आज के वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक कर जानते हैं वैद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति को। दोस्तों, इस प्रकार की तरंगों में विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के तथा इनके गमन की दिशा के लंबवत होते हैं। अब जैसा कि आप यहाँ इस चित्र में देख भी सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र जो यहाँ नीले रंग की तरंग से दर्शाया गया है वो वाई एक्स के समकक्ष है, जबकि चुंबकीय क्षेत्र Z अक्ष के समकक्ष है और ये दोनों ही क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत और साथ ही साथ इनकी गमन की दिशा यानी X अक्ष के भी लंबवत हैं। इसके अतिरिक्त ये तरंगे निर्वात एवं किसी माध्यम से भी गमन कर सकते हैं। निर्वात में इनकी चाल को C से दर्शाया जाता है, जिसका मान होता है 1/√ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, और जो बराबर होता है 3×10^8 मीटर प्रति सेकंड के। जबकि यदि ये किसी माध्यम से गमन करते हैं तो इनकी चाल को v से दर्शाया जाता है और इसका मान होता है 1/√ म्यू एप्सिलॉन। इसके अतिरिक्त इन तरंगों में विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्र का अनुपात अचर होता है, जो तरंग के वेग के बराबर होता है। यानी अगर विद्युत क्षेत्र का मान हम E नॉट और चुंबकीय क्षेत्र का मान B नॉट लें तो इनका अनुपात यानी कि E नॉट बटे B नॉट हमेशा तरंग के वेग यानी C नॉट के बराबर ही आएगा। इसके साथ साथ ये तरंग ऊर्जा की वाहक हैं और इसकी ऊर्जा चुंबकीय एवं विद्युत क्षेत्रों के बीच समान रूप से विभाजित रहती है और ये तरंगे संवेग की भी वाहक है और इसी कारण से ये किसी सतह पर दाब उत्पन्न करती हैं और इस दाब को विकिरण दाब कहा जाता है। दोस्तों, ये तो बात हुई विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति की। आइए अब जानते हैं वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम को। दोस्तों, वैद्युत चुंबकीय तरंगों का आवृत्ति के क्रम में वर्गीकरण वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहलाता है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी पर ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है सूर्य, जिससे विभिन्न प्रकार की तरंगे उत्सर्जित होती हैं। इन्हीं तरंगों को यदि इनके तरंग दैर्ध्य या आवृत्ति के क्रम में लगाया जाए तो कुछ तरंग एक जैसे गुण प्रदर्शित करती हैं, जिसके आधार पर इनका भिन्न श्रेणियों में वर्गीकरण किया जा सकता है और ये वर्गीकरण कहलाता है स्पेक्ट्रम। आइए अब देखते हैं कि इस स्पेक्ट्रम में बनने वाली भिन्न भिन्न श्रेणियां कौन सी हैं और ये किस क्रम में होती हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले हम समझ लेते हैं कि इन श्रेणियों का वर्गीकरण किन दो आधारों पर किया जाता है। तो इसमें सबसे पहले आता है आवृत्ति, जिसका अर्थ होता है कि एक सेकंड में एक तरंग कितने दोलन करती है। अब जैसे यहाँ आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम दोलन का समय कम करते हैं तो एक सेकंड में इस तरंग के दोलन की संख्या बढ़ती जाती है, यानी कि इस तरंग की आवृत्ति बढ़ती जाती है। इसके बाद वर्गीकरण का दूसरा आधार है तरंग दैर्ध्य, जो किन्हीं दो दोलन के बीच की दूरी को दर्शाता है और इसे लैम्डा से दर्शाया जाता है। अब आप यहां से समझ सकते हैं कि दो दोलन के बीच की दूरी जितनी अधिक होगी, एक सेकंड में वो तरंग उतनी ही कम बार दोलन कर पाएगी। यानी कि यदि तरंग दैर्ध्य बढ़ता है तो तरंग की आवृत्ति घट जाती है। आइए
अब इन्हीं दो आधारों पर समझते हैं वैद्युत चुंबकीय तरंगों का वर्गीकरण यानी वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम को। दोस्तों यहाँ पर इस चित्र में वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम तथा इसके विभिन्न भागों को दर्शाया गया है। स्पेक्ट्रम के ये विभिन्न भाग आवृत्ति के अनुरूप बाईं से दाईं ओर बढ़ते क्रम में दर्शाए गए हैं, जिसमें सबसे पहले आती है रेडियो तरंगे, जिनकी आवृत्ति सबसे कम है। इसके बाद आती है सूक्ष्म या माइक्रो तरंगे, फिर आती है अवरक्त तरंगे, इसके बाद आता है दृश्य प्रकाश, जिसे हम अपनी आंखों से देख पाते हैं, इसके बाद आते हैं पराबैंगनी तरंगे, फिर एक्स किरण और अंत में गामा किरणें, जिनकी आवृत्ति सबसे अधिक होती है। ठीक इसी प्रकार यदि तरंग दैर्ध्य के बढ़ते क्रम के अनुसार देखा जाए तो वो इसके विपरीत होगा, यानी सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाली किरणें होंगी गामा किरण, फिर आएंगी एक्स किरण, इसके बाद आती है पराबैंगनी के तरंगे, जिसके बाद है दृश्य प्रकाश, फिर आती है अवरक्त तरंग, इसके बाद है सूक्ष्म या माइक्रो तरंग और अंत में सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य वाली रेडियो तरंगें। सभी तरंगों का ये वर्गीकरण ही कहलाता है स्पेक्ट्रम। तो दोस्तों हम हमारे आज के इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये वीडियो समझ आया होगा। हमारे आज के इस वीडियो में हमने समझा वैद्युत चुंबकीय तरंगों के प्रकृति को, जिसके बाद हमने जाना वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम और इसके विभिन्न भागों को। अगले वीडियो में हम बात करेंगे इसी अध्याय के अगले भाग की, जिसमें हम समझेंगे स्पेक्ट्रम के इन्हीं भागों के गुण तथा इनके हमारी रोजाना की जिंदगी में उपयोगों को। तब तक के लिए गुड बाय।